बच्चों आज के लेक्चर में हम कुछ लेंसेस के बारे में देखेंगे अगर लेंस को चेंज कर दिया जाए यानी कि अगर लेंस को कट कर दिया जाए या डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस उसमें जोड़ दिया जाए तो हमारी इमेज पर क्या इम्पैक्ट होता है इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे तो पहला हम स्टडी करते हैं कटिंग ऑफ लेंस कटिंग ऑफ लेंस में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये टोटल लेंस था और उसका एक पोर्शन को आप अगर रिमूव कर दें यानी कि कुछ पोर्शन आप रिमूव कर दें लेट से ये पोर्शन आपने रिमूव कर दिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था म्यू था तो आपके पास सिर्फ ये पोर्शन बचा ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन तो आप देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से इंसिडेंट रे जाएंगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद इमेज बनाएंगी यहाँ से बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर कन्वर्ज होके इमेज बनाएंगी यहाँ पर मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टिव रिफ्रेक्टिव रेज इज इमेज ये आपकी इमेज होगी बट आप देखेंगे कि यहां पर लेंस नहीं है तो यहां पर रेज एज इट इज चली जाएंगी वो रिफ्रैक्ट होकर यहां पर मीट नहीं करेंगे तो एक्चुअली में आ, इसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा यहां पर नो चेंज इन फोकल लेंथ नो चेंज इन फोकल लेंथ फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है दूसरा इमेज पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि आपका फॉर्मूला सेम यहां पर वैलिड होगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल्स टू वन बाई एफ ये आपका सेम फॉर्मूला वैलिड होगा नो चेंज इन पोजीशन ऑफ नो चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज इमेज पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों फिर इमेज पोजीशन भी चेंज नहीं हुई है फोअर लेंथ में चेंज नहीं हुआ है तो चेंज क्या होगा बच्चों यहां पर इंटेंसिटी में चेंज होगा चेंज इन in इंटेंसिटी चेंज इन in इंटेंसिटी इंटेंसिटी यानी कि जो आपकी एक ब्राइट इमेज बन रही थी या बहुत शार्प इमेज बन रही थी अब वो डल इमेज बनेगी धुंधली सी इमेज बनेगी या फिर इमेज बहुत क्लैरिटी नहीं होगी तो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इमेज इमेज की इंटेंसिटी में चेंज आएगा और इंटेंसिटी क्या होगी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रेज जो भी नंबर ऑफ रेज आ रहे हैं यार कि अमाउंट ऑफ रेज कन्वर्जिंग एट द इमेज पोजिशन रिड्यूस्ड इंटेंसिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी नेक्स्ट चीज देखते हैं कि आपने अगर आपने यहां पर एक लेंस लिया और इसके डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से के बने हुए हैं यानी कि ऊपर वाला पार्ट आप देख सकते हैं ये म्यू वन से बना हुआ है दूसरा वाला म्यू टू से और ये फिर से म्यू वन से तो डिफरेंट पार्ट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटीरियल और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के सेम है दोनों पार्ट तो हमने या फिर आप ये सोच सकते हैं ये पूरा लेंस म्यू वन से बना हुआ था बीच वाले पोर्शन को रिमूव करके आपने दूसरा फिट कर दिया म्यू टू मटीरियल फिट कर दिया तो इस कंडीशन में क्या हुआ बच्चों ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है तो आप देखेंगे अपर पोर्शन से जो रिफ्रैक्ट होगा दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव रे यहाँ पर आपकी कन्वर्ज हो रही है तो ऊपर वाला पोर्शन म्यू वन से बना हुआ है नीचे वाला भी म्यू वन से बना हुआ है तो यहाँ पर ये म्यू वन से बने ये यह भी यहाँ पर कन्वर्ज होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है बट यहाँ पर देखेंगे ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो यहाँ पर डिफरेंट फोकल लेंथ होगी यहाँ पर ये यह कन्वर्ज कुछ अलग बनेगी तो हम यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं टू फोकल लेंथ हो जाएंगी यहाँ पर टू फोकल अगर टू मटेरियल है या अगर ये तीन मटेरियल होते तीन फोकल लेंथ like हो जाती डिफरेंट फोकल लेंथ डिफरेंट पार्ट आप लिख सकते हो डिफरेंट पार्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ लेंथ विल हैव डिफरेंट फोकल लेंथ डिफरेंट फोकल यानि कि डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट फोकल लेंथ होगी दूसरा क्या है इमेज पर क्या बोल सकते हैं तो मोर देन वन इमेज विल फॉर्म मोर देन वन इमेज विल विल फॉर्म यानी कि अगर यहां पर दो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हैं, दो का कॉम्बिनेशन है तो दो बनेंगी अगर तीन का कॉम्बिनेशन लिया तो तीन बनेंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं फोकल लेंथ हालांकि वेरिएबल फोकल लेंथ होगी इस पार्ट की डिफरेंट होगी इस पार्ट की डिफरेंस होगी और इंटेंसिटी ऑफ ऑल यानी कि आप कह सकते हो इमेज वन और इमेज टू की इंटेंसिटी बोथ विल हैव लेस इंटेंसिटी 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 ऑफ बोथ इमेजेस इमेजेस विल बी लेस देन ऑरिजिनलिजिनल इमेज ऑरिजिनल इमेज की बात क्या कर रहे हैं कि अगर यह पूरा एक ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है या तो इसको म्यू वन से ले, मान सकते हैं या फिर म्यू टू से मान सकते हैं तो वहां पर या तो आई वन इमेज वन बन बनेगी या इमेज टू बनेगी तो दोनों की इंटेंसिटी अगर एक ही इमेज बन रही है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी हावर अगर आपके पास दो इमेज बन रही है तो दोनों की इंटेंसिटी दोनों की इंटेंसिटी ओरिजिनल इमेज से रिड्यूस हो जाएगी तो ये हमारा इम्पैक्ट होगा नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल तो बच्चों आप कई क्वेश्चन में देखोगे कि यहाँ पर आपके पास लेंस को हम कट करके उसके अपर पोर्शन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे और लोअर पोर्शन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे अगर आपने लेंस को कट करके इस हाफ पोर्शन को अपर हाफ को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया है और लोअर हाफ को नीचे शिफ्ट किया है तो आपकी ये जो ओरिजिनल प्रिंसिस प्रिंसिपल एक्सिस थी ये प्रिंसिपल एक्सिस पी ए प्राइम और पी ए डबल प्राइम यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस अपर हाफ के लिए होगी और ये लोअर हाफ की ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी यहां पर ये ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी तो यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लेट से दिस इज डिस्टेंस डी एंड दिस इज डिस्टेंस डी इस केस में आपकी ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस हो जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सेस होने पर अब ऑब्जेक्ट की लोकेशन डी डिस्टेंस डाउनवर्ड होगी डी डिस्टेंस डाउनवर्ड होगी तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट है या फिर लोकेशन है वो डी डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस क्योंकि जो भी रेफरेंस लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस से लेंगे दूसरे पोर्शन के लिए जो आपका लेंस का पोर्शन है इसके लिए आप देखेंगे ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ऑब्जेक्ट की लोकेशन यहाँ से डी डिस्टेंस अपवर्ड हो जाएगी यानी कि डी हाइट हो जाएगी इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में तो अकॉर्डिंगली इसके थ्रू हम इमेज निकालेंगे वो इसकी प्रिंसिपल एक्सेस पर आएगी इसके थ्रू इमेज निकालेंगे इसके प्रिंसिपल एक्सेस आएगी तो हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे लेट से यहाँ से आपकी कुछ इमेज यहाँ बन रही है आई वन और यहाँ पर बन रही है हाई टू अगर ये लेट से हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका मैग्निफिकेशन कुछ एम है एम टाइम्स डी एम टाइम्स हम मैग्निफिकेशन को हम मान रहे हैं मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एम ये बन रहा है और ये इनवर्ट बन रही है ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड बन रही है तो ये आपकी इमेज की पोजीशन होगी इसको हम आई वन बोल देते हैं और इसका भी सेम होगा क्योंकि ये सेम लेंस को कट करके दो पार्ट में अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन दोनों के रिस्पेक्ट में सेम है और सेम डिस्टेंस से मूव किए गए ये भी डी से मूव किया है तो यहाँ पर ये अपवर्ड होगा तो इसका डाउनवर्ड बनेगा और ये बनेगा कितना दिस विल बी इमेज टू ये बनेगी और ये भी एम होगी तो आप देखेंगे ये इमेज है और ये इमेज है यहाँ पर एम हमने माना है कि एम नेगेटिव भी होगा क्योंकि ये इन्वर्टेड बन रही है अगर ये अपराइट है तो ये इन्वर्टेड बन रही है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो अब डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस अगर आप देखोगे तो ये देखेंगे आप कितना होगा दिस इज एम डी एंड दिस इज एम डी एंड प्लस टू डी तो डिस्टेंस बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस टू इमेज आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये एम डी ये भी एम टाइम्स डी और ये आपके पास ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टू डी तो आप कह सकते हो टू टाइम्स एम इन डी प्लस टू डी तो आप इसको बोल सकते हो टू डी इंटू एम प्लस इस तरह से कर सकते हैं हाईवर ये डिफरेंट हो सकती है अगर ये आपकी अपराइट इमेज बनी यानी कि डाउनवर्ड की डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी अपवर्ड की अप अपवर्ड डायरेक्शन में बनी तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको ये दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बट फंडामेंटली जो कंसेप्ट है वो ये है कि प्रिंसिपल जैसे ही आप कट करके उसको शिफ्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस विल शिफ्ट अलोंग विद द लेंस नेक्स्ट एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है देखो अ लेंस इज कट इनटू टू हाफ्स अलोंग एक्स ओ एक्स आप ये इसको देखेंगे यानी कि ये आपको एक लेंस दे रखा है इसको फर्स्ट केस में इसको इस तरह से कट किया गया है दो अपर हाफ और लोअर हाफ में और सेकेंड केस में कंसिडर कर रहे हैं इसको वाई ओ वाई यानी कि इस तरह से कट किया गया है शोन इन द फिगर लेट एफ एफ प्राइम एफ डबल प्राइम बी द फोकल लेंथ ऑफ कंप्लीट लेंथ ऑफ इच हाफ इन केस वन टू एन रेस्पेक्टिवली देखो आपको एफ फोकल लेंथ किसकी दे रखी है कंप्लीट की एफ फोकल लेंथ कंप्लीट की दे रखी है यानी कि आप इसको बोल सकते हो म्यू माइनस वन ओवर वन ये कुछ इस तरह से हो जाएगी सॉरी दिस इज वन बाई फोकल लेंथ म्यू माइनस वन ये लेंस मेकर फॉर्मूला है बच्चों हम यहाँ पर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड पे इक्वी कन्वैक्स है तो दोनों का सेम होगा हम ये मानेंगे तो ये आपकी ये हो जाएगी फोकल लेंथ ठीक है एफ प्राइम में जब आपको फर्स्ट केस में आप कहाँ से कट कर रहे हैं एक्सओ एक्स यहां से कट कर रहे हैं एक्स ओ एक्स प्राइम यहां से कट कर रहे हैं तो यहां पर दो पोर्शन क्रिएट हो जाएंगे यहां पर दो पोर्शन आपके बनेंगे आप तो आप देखेंगे यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा इसकी भी फोकल लेंथ एफ होगी और इसकी भी फोकल लेंथ एफ होगी तो फर्स्ट केस में नो चेंज इन नो चेंज इन फोकल लेंथ फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा तो इट विल रिमेन ओनली एफ तो एफ प्राइम इक्वल्स टू एफ आपका हो जाएगा सेकेंड केस में आप इसको वाई ओ वाई पर कुछ ऐसे कट कर रहे हैं तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा दिस इज प्लेनो कन्वैक्स बन जाएगा आपका कैसा बन जाएगा प्लेनो कन्वैक्स यानी कि एक इस तरह से आप मिरर मिलेगा लेंस मिलेगा और एक इस तरह से दो प्लेनो कुन्वैक्स में हो जाएगा अब तो यहां पर एक का आर देख सकते हैं दूसरे का आर देख सकते हैं तो आप यहां पर लिख सकते हैं वन अपॉन डबल एफ प्राइम ये देख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं म्यू माइनस वन अब यहां इन्फिनिटी, ये यह हो जाएगा और आपके पैसे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू माइनस वन बाई आर और यहां पर फोकल लेंथ की वैल्यू क्या थी म्यू माइनस वन बाई टू आर यानी कि हम कह सकते हैं कि टू Times by focal अगर आपने ये वर्टिकल डायरेक्शन में कट किया तो आप ये प्लेनो कॉन्वैक्स हो जाएगा इक्वी कॉन्वैक्स से प्लेनो कॉन्वैक्स हो जाएगा एक रेडियस ऑफ करवेचर इन्फिनिटी हो जाएगा और यहां पर फोकल लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी आप आंसर को देखेंगे देखो एफ प्राइम तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है तो पर देखेंगे यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर कौन सा होगा आंसर विल बी एप्शन एफ प्राइम इक्व टू एफ एफ एंड एफ डबल प्राइम इक्व टू टू एफ ये आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर्ड लेंस यानी कि आपने लेंस को एक साइड से सिल्वर्ड कर दिया है यानी कि मिरर इफेक्ट दे दिया है यहाँ पर क्या होगा जो भी रे आएगी वो पास ऑन नहीं होगी रिफ हो जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और फिर बाद में रिफ्लेक्ट होगी तो इसको हम थोड़ा सेपरेट करके अगर आप देखें तो यहाँ पर ये यह देखेंगे कि कोई भी इंसिडेंट रे होगी वो पहले रिफ्लैक्ट होगी फिर मिरर से आपके से मिरर से एक रिफ्लेक्शन होगा एक रिफ्लेक्शन होगा दिस इज योर इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हुई है और ये रिफ्लेक्शन की वजह से वापस आएगी और फिर दो बार रिफ्लेक्शन होगा तो आप देख सकते हो टू टाइम्स रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड वन टाइम्स रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन थ्रू रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिररर ये हुआ तो आप देखेंगे कि कोई भी रे बाहर जाएगी और रिफ्लेक्शन होके वापस आएगी तो ये पूरा कॉम्बिनेशन दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज ए दिस इक्वलेंट विल बी दिस बिहेव एज ए मिरर ये मिररर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसमें जो इमेज बनने वाली है वो लेफ्ट में बनने वाली है अगर हम रियल इमेज की बात करेंगे तो वो लेफ्ट में बनेगी क्योंकि यहाँ पर दो बार लेंस का ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है और पूरा कॉम्बिनेशन मिरर की तरह बिहेव करेगा और इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है 1 अपॉन fm यानी कि इस कॉम्बिनेशन की जो नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है 1 अपॉन fm फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर कैन बी गिवन बाय 1 अपॉन fm 2 टाइम्स वन अपॉन एफ एल ये क्या है एफ एम इज द फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इक्विलेंट मिरर जो एफ एम होगी फोकल लेंथ ऑफ इक्विलेंट मिरर और यहां पर होगी एफ एम फोकल लेंथ ऑफ ऑफ मिरर Of silvered, silvered side. जो भी silvered side की है वो mirror की तरह behave करेगी तो उसकी जो focal length होगी वो होगी And where FL is focal length of lens. लेंस की यहां पर फोकल लेंथ हमने यूज करनी होगी तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जो हमें equivalent फोकल लेंथ देगा इस कंडीशन के लिए बाइकॉन्वैक्स लेंस इज मेड अप ऑफ म्यू वन पॉइंट फाइव एन इन द फिगर राइट साइड ऑफ द लेंस इज सिल्वर्ड फाइंड द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ मेर ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिगर में आपको दिया हुआ है लेंस है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड का रेडियस ऑफ कर्विचर थर्टी सेंटीमीटर राइट साइड का रेडियस ऑफ कर्विचर ट्वेंटी सेंटीमीटर और म्यू आपको हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन अपॉन एफ एम इक्वल्स टू वन अपॉन एफ एम माइनस वन अपॉन एफ एल एफ एम आपके लिए बहुत इजी है निकालना दैट इज आर बाई टू क्योंकि आर आपको दिया हुआ है आर इज ट्वेंटी सेंटीमीटर और टू यानी कि टेन सेंटीमीटर हो अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है कॉनकेव मिरर uh, है कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पर आपकी एफ एम की वैल्यू

तो ये प्लस में आ जाएगा वन बाई ट्वेंटी आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट वन बाई टू एंड दिस इज फाइव बाई एंड इन टू फाइव बाई सिक्सटी ये वैल्यू आ जाएगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दिस विल बी फाइव बाई वन ट्वेंटी ये एफ एल आ जाएगा यहाँ पर वन अपॉन एफ एम जो हम निकालेंगे फॉर्मूले में तो यहाँ पर वन अपॉन एफ एम यानी कि माइनस वन बाई टेन माइनस वन बाई टेन माइनस टू बाई एफ एल सॉरी यहां पर माइनस टू बाई एफ एल आना चाहिए तो टू बाई एफ एल टू में यहां पर आ जाएगा फाइव ओवर वन ट्वेंटी ये आ जाएगा सेंटीमीटर अब यहां पर दोनों का एलसीएम लेंगे तो वन ट्वेंटी तो यहां पर आपको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस टेन

किसी भी मिरर की अगर माइनस में फोकल लेंथ आ रही है तो कैसे बिहेव करेगा ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा इट इज ए कॉनकेव मिरर विद इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ इसकी फोकल लेंथ क्या आ रही है सिक्सटी बाई फाइव अराउंड फाइव पॉइंट सिक्स के आसपास आ रही होगी फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट सिक्स के आसपास आ रही होगी एंड इट इज इट विल बिहेव एज ए कॉनकेव मिरर यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन सिल्वर्ड सिल्वरिंग ऑफ लेंस लेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स एन ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ 28 सेंटीमीटर यानी कि फोकल लेंथ आपको स्टार्टिंग में दे रखी है एफ एम इक्व टू ट्वेंटी एट सेंटीमीटर वेन इट इज प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड इल्यूमिनेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर ए आपको ये फिगर ए और बी दे रखी है यानी कि अगर प्लेन सरफेस को आप सिल्वर कर देते हैं तो ये एक इफेक्टिव मिरर बनेगा और जिसकी फोकल लेंथ बनेगी 28 सेंटीमीटर इट्स सेंटीमीटर नेक्स्ट दे रखा है इफ द सेम लेंस इज इन स्टीड सिल्वर्ड ऑन द कर्व सरफेस एंड इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अदर साइड फिगर बी इट एक्ट्स लाइक एन ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटीरियल ऑफ द लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटीरियल पूछा गया है तो बच्चो हम पहले में, हम फर्स्ट केस में हम क्या कंसिडर करेंगे पहले आपको एफ एल यानी कि फोकल लेंथ वन अपॉन एफ एल आप निकाल सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल फोकल लेंथ ऑफ लेंस दोनों साइड से सेम होती है यानी कि आप प्लेनो कॉन्वैक्स लेंस आप ये मान रहे हैं आप चाहे लाइट इधर से इल्यूमिनेट करो चाहे इधर से इल्यूमिनेट करो आप दोनों दोनों साइड से फोकल लेंथ सेम आई जिसकी वैल्यू आप देखेंगे ये आपको अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे लेफ्ट साइड से इट विल बी म्यू माइनस वन ओके वन अपॉन आर वन अपॉन आर पॉजिटिव होगा और दूसरा इन्फिनिटी वन अपॉन आर टेंस टू ये आर टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो ये आपके पास म्यू माइनस वन ओवर आर ये आ जाएगा आर पॉजिटिव है यहाँ क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में होगा दूसरा अगर लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे लेफ्ट से अगर आप देखें तो ये आपके पास म्यू माइनस वन जीरो माइनस वन बाई अगर आपकी सॉरी राइट साइड से अगर आपकी इंसिडेंट लाइट आई है तो उस केस में ये पोल हो जाएगा और आपका ये वाला नेगेटिव एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्सिस हो जाएगा उस केस में r देखेंगे r की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये माइनस -r हो जाएगा तो दोनों केस में आपको लेंस की फोकल लेंथ सेम रहेगी चाहे किसी भी साइड से इल्यूमिनेट किया जाए बात आती है फोकल लेंथ की फोकल लेंथ ऑफ मिरर की तो फर्स्ट केस में हम मिरर की फोकल लेंथ को हम इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी होगा ओके तो फर्स्ट केस में हम वन अपॉन एफ एम प्राइम एफ एम हम बोल सकते हैं दैट इज माइनस वन बाई ट्वेंटी एट ये माइनस में क्यों होगा क्योंकि ये इफेक्टिव मिरर की तरफ बिहेव करेगा इसको देख लेते हैं हम बोलते हैं हम इसको बोला था वन अपॉन वन अपॉन एफ एम माइनस टू बाई एफ एल ये हमने बोला था यहाँ पर एफ एम टेंटी है तो ये जीरो होगा दिस विल बी माइनस टू बाई एफ एल f l की 1 f l की वैल्यू आपको दे रखी है ये हो जाएगा f l की वैल्यू आप यहाँ से 1 f l की वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल अगर आप कर देते हो तो यहाँ पर μ 1 μ 1 r की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 56 मिल जाएगी सेकंड केस में केस टू में हमने क्या कंसीडर किया है केस टू में आप सिल्वर्ड पोर्शन आपका ये कॉनकेव होगा इस केस में हम क्या करेंगे वन अपॉन एफ एम प्राइम जिसकी वैल्यू टेन दे रखी है और अगेन ये मिरर की तरह बिहेव करेगा तो इसकी माइनस में फोकल लेंथ आएगी इसको आपने दे रखा है वन अपॉन एफ एम जिसको हम आर बाई टू लिख सकते हैं आप देखेंगे राइट right से अगर इसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं तो यहां पर इसको पोल कंसीडर करेंगे पोल कंसीडर करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव आएगा हम इसको माइनस टू बाई आर लिखेंगे सेम केस में यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी माइनस वन बाई टेन एंड दिस इज माइनस टू बाई आर और इसकी वैल्यू माइनस दिस दिस होल वैल्यू ये वैल्यू पूरी आपको माइनस वन बाई ट्वेंटी एट दे रखी है अब इसको आर एच एस में ले जाएंगे आपको माइनस टू बाई आर विल गिव यू माइनस वन बाई टेन प्लस वन बाई ट्वेंटी एट एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करेंगे यू विल सॉल्व माइनस ट्वेंटी एट प्लस टेन

तो आप बोल सकते हो म्यू माइनस वन बाई आर इज वन बाई फिफ्टी सिक्स इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप यह वन बाई आर की वैल्यू डाल देंगे म्यू माइनस वन आर की वैल्यू आप डालेंगे नाइन बाई टू एट जीरो इक्वल टू वन बाई फाइव सिक्स सोल्व करेंगे आगे म्यू माइनस वन की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी फाइव बाई नाइन सोल्व करके फाइव बाई नाइन आएगी म्यू की वैल्यू आपके पास वन प्लस फाइव बाई नाइन आ जाएगी इसको सॉल्व करेंगे तो एप्रोक्स आपके पास दिस इज वन पॉइंट फाइव फाइव के समथिंग आ जाएगी ये वैल्यू वन पॉइंट फाइव फाइव तो आप ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा आंसर यानी कि वन पॉइंट फाइव फाइव बी ऑप्शन आपका सही होगा आंसर विल बी और बी नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द फोकल लेंथ बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है जिसमें हम लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं इसमें क्या होता है हम ऑब्जेक्ट को और जहाँ पर इमेज बननी है उस स्क्रीन को फिक्स कर देते हैं उनके बीच में लेट से कैपिटल डी डिस्टेंस होता है और यहाँ पर हम अपने लेंस को शिफ्ट करते हैं लेंस को शिफ्ट करते हैं तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है और लेंस की किसी एक पोजीशन के लिए किसी एक पोजीशन के लिए यहां पर ऑब्जेक्ट होता है और इसकी एक शार्प इमेज हमें यहां पर स्क्रीन पर मिलती है इसको स्क्रीन यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा तो यहां पर ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज मिल जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेंस है वो यू है और टोटल डिस्टेंस डी है तो रिमेनिंग डिस्टेंस डी माइनस यू दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस और इसमें अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं तो यानी कि वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वस टू वन बाई एफ तो यहां से हम कैसे फोकल लेंथ निकालते हैं ये देखिए वी की वैल्यू हम क्या रखेंगे वन माइनस वन अपॉन डी माइनस यू माइनस अब यू इसके पोल के लेफ्ट में है तो यहां पर यू हो जाएगा इक्वस टू वन बाई एफ ये हो जाएगा इस इक्वेशन को इस यू को हम माइनस यू रखेंगे इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटे इक्वेशन आएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो वैल्यू आने वाली है एक आएगी यू और एक आएगी u2 इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कैसे यू u1 यू आएंगे तो यहां पर u1 u2 यू की वैल्यू आप कैसे कह सकते हो क्वाड्रेटिक में हम बोलते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए ये रूट होते हैं तो हम यहाँ पर दो रूट निकालेंगे यू की वैल्यू यानी कि यू वन यू टू आप निकालेंगे यू की वैल्यू होगी माइनस बी यानी कि डी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर बी स्क्वायर होगा आपका डी स्क्वायर माइनस फोर डी एफ ओवर टू ए यानी कि टू होगा आप इसको सेपरेट करके देखेंगे यू वन यू टू की वैल्यू आ जाएंगे आपके पास यू वन की वैल्यू आप बोल सकते हो डी प्लस रूट ऑफ अब यहां पर देखो ये आपको कॉमन अगर ले तो ये डी माइनस फोर एफ ये मिलेगा ओवर टू ए अब ए की वैल्यू तो आपको वन दे रखी है क्योंकि यू यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है वन है यहां पर तो यहां पर टू हो जाएगी तो ये यू वन आ जाएगी और यू टू की आप वैल्यू निकालेंगे यू टू की वैल्यू होगी डी बाई टू माइनस रूट ऑफ डी डी माइनस फोर एफ ओवर टू ये यू टू की वैल्यू होगी बच्चों इसकी रूट्स रियल आएंगे फॉर रियल रूट्स रियल रूट्स के लिए हम क्या कहते हैं कि यानी कि ये आपका डिस्क्रिमिनेंट ये जो रूट के अंदर है ये पॉजिटिव होना चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए इट मीनस d इंटू डी माइनस फोर एफ इट मस्ट बी पॉजिटिव इसका क्या मतलब है कि आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ये आपका 4f से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कई बार बच्चों ये डायरेक्ट कंडीशन आपको क्वेश्चन में पूछ ली जाती इस कंडीशन के लिए ही आपको यहां पर दो रूट मिलेंगे अदरवाइज यहां पर इमेजिनरी रूट मिलेंगे अगर आपका डी इक्व टू फोर एफ हो गया डी एग्जैक्टली इक्वस टू फोर एफ हो गया तो यू वन इक्व टू यू टू हो जाएगा यू वन यू टू हो जाएगा और दैट इज इक्वस टू डी बाई टू आपका हो जाएगा डी बाई टू हो जाएगा यू वन यू टू दोनों कितना हो जाएगा यू बाई टू और आप देखेंगे कि आपका यू वन यू वन यानी कि आपका डी बाई टू है इंप्लाइज वी वन वी वन की वैल्यू होती है d माइनस यू वन वो भी कितना होगा d बाई टू हो जाएगा दोनों u और v बराबर हो गए u और v बराबर हो गए हैं तो सेम डिस्टेंस पर बच्चों कब बनती है इमेज कब बनती है यानी कि हम बोल सकते हैं कि d बाई टू विल बीव टू टू एफ टू एफ की वैल्यू होती है कॉनकेव कॉन्वैक्स लेंस में आप देख रहे हैं कि जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसी डिस्टेंस पर इमेज बन रही है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों याद करो ये होगा टू एफ टू एफ होगा और यहां से आप अगर ये कंडीशन है यानी कि ये कंडीशन है डी इक्वल्स टू फोर एफ वाली तो उसमें आपका फोकल लेंथ आप सीधे लिख सकते हो डी बाई फोर जो भी इमेज और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है उसके बीच में तो इस तरह से आप लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं दूसरा हम क्या करते हैं कि यहां पर देखो यहां पर क्या होता है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है एक बार ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और ये आपका इमेज हुआ तो अब इसको आप शिफ्ट करते हैं सच दैट कि ये डिस्टेंस आपका डी माइनस यू हो जाता है और ये डिस्टेंस यू हो जाता है तो ऑब्जेक्ट इमेज की तरह और इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा यानी कि ये आपकी जो इमेज पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट पोजीशन है वो इमेज पोजीशन हो जाएगी यानी कि शिफ्ट हो जाएंगे दोनों तरफ तो आप देख सकते हो बहुत ईजिली यू कैन सी दैट यू वन अगर आपका यू वन इक्व टू यू है यू वन इक्व टू यू है तो यू टू इक्व टू डी माइनस यू होगा डी माइनस यू होगा यू वन यू टू की वैल्यू निकाली है यू वन इक्व टू डी प्लस रूट ऑफ डी इंटू डी माइनस फोर एफ ओवर टू ए और यू टू की वैल्यू डी माइनस रूट ऑफ डी इंटू डी माइनस फोर एफ By 2A. अब यहां पर हम क्या करते हैं दोनों पोजीशन को यानी कि U1 वन माइनस यू को निकालते हैं U1 वन माइनस यू को निकालते हैं कि हम इस लेंस को कितना शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें दो इमेजेस मिल रही हैं यानी कि इस लेंस को आप शिफ्ट करते हैं इस लेंस को दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा एक्स दूसरी पोजिशन पर शिफ्ट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा दिस विल बिकम डी माइनस और ये कितना हो जाएगा आपका ये यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्स मिल जाता है आप जानते हैं कि कितना आपने ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना शिफ्ट करके आपको दूसरी इमेज स्क्रीन पर ही मिल रही है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की पोजीशन को चेंज नहीं करते तो यू टू माइनस यू वन यू वन माइनस यू टू आपको एक्स आ जाता है और फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन यू टू माइनस यू वन आप निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा रूट ऑफ डी माइनस फोर एफ यह आ जाएगा यह आ जाएगा अब आपको x पता होता है d पता होता है यहां से फोकल लेंथ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इक्व टू डी इंटू डी माइनस फोर एफ ये हम निकालते हैं तो यहां से आपको यू विल गेट दिस डी स्क्वायर माइनस फोर डी एफ यहां से सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4d ये वैल्यू आ जाएगी आपको फोकल लेंथ की ये अगर आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर अगर x इक्व टू जीरो यानी कि शिफ्ट करने की जरूरत ना पड़े अब x इक्व टू जीरो करें x इक्व टू जीरो केस कौन सा होगा जब आपका u1 और v1 दोनों सेम है तो x इक्व पर आपका ये आ जाएगा d बाई अदरवाइज़ ये आप एक्स कैलकुलेट कर लेंगे डी आपको पता है और यहां से आप लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं अब इसमें इस बच्चों एक प्रॉपर्टी और होती है जैसे यू वन आपका यू हुआ और वी वन आपका डी माइनस यू हो गया दूसरे केस में क्या होता है यू टू आपका डी माइनस यू हो जाएगा उसको शिफ्ट किया आपने और वी टू आपका यू बन जाएगा अब इसमें मैग्निफिकेशन निकालते हैं अब यहां पर एम वन कितना होगा बच्चों दैट इज डी माइनस यू मैग्निफिकेशन को हम क्या लिखते हैं वी बाई यू दैट इज वी वन बाई यू वन विच विल बी डी माइनस यू बाई यू एम टू को आप निकालेंगे एम टू को आप निकालेंगे तो एम टू में क्या होगा वी टू ओवर यू टू अब वी टू की वैल्यू यू है और ये आपको डी माइनस यू हो जाएगी यानी कि एक बार इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा और दूसरी बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बन जाएगा अब आप इसमें देखोगे दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें M को हम मल्टीप्लाई करें, यानी कि M1, M2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी वन दैट इज d माइनस यू ओवर यू इंटू यू इन टू डी माइनस यून कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू आपको वन मिल जाएगी यानी कि दोनों का अगर मैग्निफिकेशन निकालें तो यहां पर वन आ जाता है तो आप इसमें कह सकते हो कि दोनों का हम बोल सकते हैं कि आई वन आई वन ओवर ओ यानी कि इमेज ओवर ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इमेज ओवर ऑब्जेक्ट इक्वल टू वन तो यहां से आपको आ जाता है कि आई वन आई टू यानी कि दोनों केस में हाइट जो होगी वो ओ स्क्वायर के बराबर होगी यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट आप बोल सकते हो रूट ऑफ आई वन आई टू एंड आई वन आई टू का क्या है यहां पर आई वन आई टू इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो और आई वन एंड आई टू साइज ऑफ इमेजेस साइज ऑफ इमेजेस इन टू केसेस इमेजेस इन टू केसेस कई बार बच्चों इस कांसेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने होंगे आपको ये पॉइंट याद याद रखना होगा m1 m2 1 होता है ये आपको पता होना चाहिए दोनों केस में ये फॉर्मूला आपको फोकल लेंथ का पता होना चाहिए d2 x2 और आप अगर आपका d 4f है उस केस में फोकल लेंथ आपका एफ इक्वल टू डी बाई फोर आएगा यह आपको पता होना चाहिए तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिन पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोड्यूसार्प इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू पोजिशन पीछा सिक्सटी सेंटीमीटर अपार्ट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द स्क्रीन यानी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बच्चों आपको फोकल लेंथ दी हुई है सिक्सटीन सेंटीमीटर और आपको दिया गया है कि दो पोजीशन दो पोजीशन पर यानी कि U1 और U2 आपको मिलते हैं दो पोजीशन मिलती है For obvious, आपका क्या होगा यानी कि d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f होगा डी एफ फोर से ज्यादा होगा यानी कि यहां पर और पूछा क्या गया है यहां पर दो पोजीशन है यानी कि आपको दे रखा है u2, u1 यू वन माइनस यू टू विच इज एक्स ये आपको 60 सेंटीमीटर पर दे रखा है दो पोजीशन पर यानी कि लेंस को दो पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं तो 60 सेंटीमीटर मिलता है आर सिक्सटी सेंटीमीटर अपार्ट ओके फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द स्क्रीन ये आपको डी निकालना है डी आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर आपको फॉर्मूला पता है कि फोकल लेंथ इक्व डी स्क्वायर माइनस एक्स है। आपको यहां से फोकल लेंथ मिल जाएगी फोकल लेंथ सिक्सटीन सेंटीमीटर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सिक्सटीन इंटू फोर डीव टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप सिक्सर लिख सकते हैं अब ये एक बनी है और इसको आपको सॉल्व करना है डी के लिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर माइनस सिक्सटी स्क्वायर माइनस सिक्सटी फोर डीवल्स टू जीरो अब जो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे आप और आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी हंड्रेड सेंटीमीटर तो यानी कि स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा हंड्रेड सेंटीमीटर बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जेई मेन्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कॉन्वेक्स लेंस इज पोट टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ लाइट सोर्स मेक्स शार्प इमेज ऑन स्क्रीन कैप्टर टेन सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस नाउ द ग्लास ब्लॉक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट फाइव ऑफ वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर थिकनेस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद लाइट सोर्स To get the sharp image, again the screen is shifted by distance d. Then d is. तो आपने क्वेश्चन ये देखा क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, क्या दे रखा है आपको ये दे रखा है कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और एक कॉन्वेक्स ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है स्क्रीन और लेंस यहां कहीं बीच में रखा गया है लेंस आप हाँ, इसको लेंस बना सकते हैं और दोनों ही टेन सेंटीमीटर पर है दोनों ही टेन सेंटीमीटर शार्प इमेज बन रही है स्क्रीन की तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों ही टेन सेंटीमीटर पर है सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन यहां पर एक ब्लॉक रख दिया गया है जिसका थिकनेस भी 1.5 सेंटीमीटर है और इसका म्यू भी 1.5 दे रखा है एंड दिस इज एट 10 सेंटीमीटर तो अब इमेज को शार्प बनाने के लिए हमें इस स्क्रीन को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा मे बी इट कैन बी टूवर्ड्स द लेंस और अवे फ्रॉम द लेंस यानी कि इसको डी डिस्टेंस से शिफ्ट किया गया है इट मे बी अवे और इट मे भी टूवर्ड्स डी डिस्टेंस से इसको शिफ्ट किया गया है तो आपको यह बताना है कि स्क्रीन को आपने किस डिस्टेंस से शिफ्ट किया गया ताकि इमेज आपको फिर से शार्प हो जाए यह बताया गया तो पहली इंफॉर्मेशन से बच्चों हम क्या जान सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर पर ही इमेज है 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है तो 10 सेंटीमीटर की वैल्यू होगी 2f। तो यहां से फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी 5 सेंटीमीटर कॉन्वैक्स लेंस है तो पॉजिटिव प्लस 5 होगी सेकेंड आप यहां पर अगर आप एक ब्लॉक रख देते हैं ग्लास ब्लॉक यानी कि 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो यहां पर ये देखो शिफ्ट होगा सेकेंड केस में देयर विल बी ए शिफ्ट शिफ्ट की वैल्यू हम क्या लिखते हैं बच्चों अगर याद होगी आपको t इंटू वन माइनस वन बाई म्यू तो यहां पर ये t की वैल्यू भी आपको 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है माइनस 1.5 पॉइंट ओवर ये आएगा म्यू की वैल्यू भी 1.5 है तो इससे आपको 0.5 पॉइंट फाइव आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव स्लैब स्लैब की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ये शिफ्ट होने के बाद आप यह देखेंगे कि यह डिस्टेंस जो रह जाएगा इमेज डिस्टेंस विल बिकम 9.5 पॉइंट हाफ तो ना योर यू विल बी यू क्या हो जाएगा माइनस नाइन हो जाएगा एफ की वैल्यू आपके पास प्लस फाइव सेंटीमीटर आ चुकी है आप यहां पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी कि वन बाई वी माइनस वन बाई यूस टू वन बाई एफ यहां से v की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे प्लस वन अपॉन माइनस नाइन पॉइंट फाइव इसको कैलकुलेट करेंगे आप v को तो ये आपके पास आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव ओवर फाइव इंटू 9.5 इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास 9/19 यानी कि v की वैल्यू आपके पास 19/9 सेंटीमीटर आने वाली है 19/ by 9 सेंटीमीटर सॉरी इट इज 95 by 9 सेंटीमीटर इट इज 95 95/9 सेंटीमीटर आएगी इसको कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू आएगी आपकी Approx 10.55 cm 10.55 cm सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बनेगी तो पहले आपकी v1 क्या थी 10 सेंटीमीटर थी तो आपको जो शिफ्ट करना पड़ेगा स्क्रीन को d डिस्टेंस आप यहाँ पर निकाल सकते हैं डिस्टेंस d विल बी 10.55 पॉइंट फाइव माइनस सेंटीमीटर दैट इज 0.55 सेंटीमीटर और ये इंक्रीज हुआ है तो ये क्या होगा अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम लेंस लेंस से दूर की तरफ इसको शिफ्ट करना पड़ेगा तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर स्क्रीन को आपने थोड़ा सा दूर डी डिस्टेंस यानी कि 0.55 0.55 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है तो आप ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से आपका डी ऑप्शन 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ये आपका करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट लाइटर्जन ऑफ लाइट क्या होता है ये समझते काउचीज काउचीज रिलेशन रिलेशन जैसा कि कि हमने पहले बताया था बताता है कि किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड होती है और दैट इज गिवन बाय ए प्लस बीवाई लेमडा स्क्वायर यानी कि अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी कम हो जाएगी तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेव होगी और डिफरेंट डिफरेंट वेव के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो होता क्या है कि वेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म के थ्रू अगर व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण इनका ना डेल्टा क्या होता है डिवियेशन डिविएशन जो ओरिजिनल लाइन से डिविएट करने का जो एंगल होता है दैट इज म्यू माइनस वन टू ए ये हमने ए ए स्मॉल ए के लिए देखा था स्मॉल ए के लिए हमने डेल्टा की इक्वेशन क्या देखी थी फॉर स्मॉल डेविएशन क्या था म्यू माइनस वन इंटू अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा तो आपका डेल्टा भी डिफरेंट होगा तो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है क्योंकि डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट डेविएशन होता है तो वह अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट होके जाते हैं एंड दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लेटिंग ऑफ लाइट इन टूट इट्स कॉन्स्टुट ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं तो हम देखते हैं यहां पर अगर आपका डेल्टा डिफरेंट है यहां पर लेमडा अगर डिफरेंट है तो म्यू डिफरेंट होगा म्यू डिफरेंट होगा तो डेल्टा डिफरेंट होगा अब बात करते हैं हम डिविएशन की जैसे अगर वॉल वाइल, वॉयलेट लाइट का अगर डिविएशन देखें तो वॉयलेट लाइट के डिविएशन को हम बोल सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म जो प्रिज्म का एंगल होगा एपैक्स एंगल जिसको बोलते हैं ए ये वॉयलेट लाइट का डेविएशन होगा रेड लाइट यानी कि एक्सट्रीम ये हमारी नीचे लोएस्ट हमारी वॉयलेट लाइट है और हमारी टॉप मोस्ट रेड लाइट है तो लेमडा मिनिमम होता है लेमडा मिनिमम होता है आपका वॉयलेट के लिए लेमडा वॉयलेट तो यहां पर जिसका लेमडा मिनिमम होगा उसका म्यू मैक्सिमम होगा और जिसका म्यू मैक्सिमम होगा उसका उसका डेल्टा मैक्सिमम होगा तो यहां पर डेल्टा ऑफ वॉयलेट रेड से कहीं ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा डिविएट आपकी वॉयलेट होती है और सबसे कम डिविएट आपकी रेड होती है और ये जो सीक्वेंस बनता है वो हमारा बनता है वेबक्योर वेब क्यूर यानी कि वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड ये इस सीक्वेंस में होता है रेड का सबसे कम डिविएशन होता है तो अगर डिविएशन ऑफ रेड हम लिखने लगे तो हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म तो यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब बात आती है मीन डेविएशन की ये तो हो गया मैक्सिमम ये हो गया मिनिमम मीन डेविएशन हम येलो के लिए लेते हैं येलो को हम मिड में मानते हैं मेन डिविएशन इज डिविएशन ऑफ येलो लाइट एंड विच कैन बी रिटेन एज म्यू ऑफ येलो यानी कि येलो लाइट का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा माइनस वन इंटू ए नेक्स्ट इज एंगुलर डिस्पर्जन एंगुलर डिस्पर्जन बच्चों किसको कहते हैं जो भी वॉयलेट लाइट का डिविएशन होगा माइनस जो रेड लाइट का डिविएशन होगा ये देखो आपका ये आपका ओरिजिनल लाइन है और ये आपका वॉयलेट लाइट का डिविएशन होगा और यहां पर ये आपको रेड लाइट का डिविएशन है तो वॉयलेट लाइट का मैक्सिमम है और मिनिमम अब इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि डिविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कहलाएगा एंगुलर डिस्पर्जन दैट इज इसको हम लिखेंगे म्यू ऑफ वॉयलेट म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस वन इंटू ए और डेल्टा आर को म्यू ऑफ आर माइनस वन इंटू ए दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर यानी कि रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स फॉर फॉर रेड और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन तो बच्चों हमारा एंगुलर डिस्पर्जन आ गया है इसके बाद विल टॉक अबाउट डिस्पर्जिव पावर डिस्पर्जिव पावर क्या होती है डिस्पर्सिव पावर होती है एंगुलर डिशन डिवाइड बाई मीन डिविएशन एंगुलर डिविएशन क्या होता है एंगुलर डिशन होता है हमारा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और मीन डिविएशन क्या होता है मीन डिविएशन इज डेल्टा ऑफ येलो येलो का जो मीन डिविएशन होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज द एंगुलर डिविएशन और ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीन डिवियेशन ए कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास इसको बोलते हैं ओमेगा ओमेगा को क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाई मीन डिविएशन ये क्या आएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ये आपका क्या आ जाएगा इज डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन यानी कि आप दो प्रिज्म लेते हैं जिसका एक कैपेक्स एंगल ए है और एंगुलर डिस्पर्जन डिस्पर्जिव पावर ओमेगा है दूसरा आपका एंगुलर एपेक्स एंगल ए प्राइम है और डिस्पर्जिव पावर ओमेगा प्राइम है और दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में आप अरेंज कर देते हैं तो यहां से जब लाइट जाएगी वो एक से डिविएट होगी और फिर दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिविएशन होगा तो इस केस में हम जैसे डिस्पर्जन कैसे ले सकते हैं देखो हम नेट डिस्पर्जन कैसे ले सकते हैं डेल्टा वॉयलेट नेट यानी कि डेल्टा वॉयलेट वन के थ्रू होगा और डेल्टा वॉयलेट टू के थ्रू होगा अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में डेल्टा वॉयलेट होगा और फिर इस डायरेक्शन में डेल्टा वॉयलेट होगा एक में आप देखेंगे क्लॉक है और दूसरे में एंटी क्लॉक है तो ये सप्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे यानी कि डेल्टा वॉइन डेल्टा वॉयलेट ऑफ वन माइनस डेल्टा वॉयलेट ऑफ टू ये वॉयलेट का हो जाएगा माइनस डेल्टा ऑफ रेड डेल्टा रेड ऑफ वन माइनस डेल्टा रेड ऑफ टू तो ये आपका नेट डिस्पर्जन हो जाएगा अगर दो प्रिज्म ऑपोजिट डायरेक्शन में आप अरेंज करते हैं तो यानी कि हम डेल्टा वॉलेट नेट को हम लिख सकते हैं म्यू वी माइनस वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉलेट इन प्रिज्म वन माइनस वन इंटू ए और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरे प्रिज्म में यहां पर ए से ए प्राइम आएगा प्राइम का मतलब हम सेकेंड प्रिज्म की बात कर रहे हैं यहां पर म्यू वी प्राइम यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इन सेकेंड प्रिज्म ए प्राइम एंगल ऑफ सेकेंड प्रिज्म तो ये आपका हो गया डेल्टा वॉयलेट वन माइनस डेल्टा वॉयलेट टू नेक्स्ट डेल्टा रेड ऑफ वन डेल्टा रेड ऑफ टू दोनों को माइनस करेंगे तो नेट आपके पास जो आ जाने वाला है यहां पर ये वन वन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास नेट आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इंटू ए फॉर वन एंड डेल्टा वी प्राइम माइनस डेल्टा आर प्राइम इंटू ए आप इसको बोल सकते हैं डिविएशन ऑफ वन माइनस डिविएशन ऑफ टू ये आपके पास नेट डिविएशन आ जाएगा अब बात करते हैं हम डिस्पर्सिव पावर ऑफ वन डिस्पर्सिव पावर वन क्या होगी नेट डिविएशन नेट डिविएशन अपॉन मीन डिविएशन सॉरी डिस्पर्स डिस्पर्जन डिवाइड बाई डिविएशन तो ये डिस्पर्जन होगा डिस्पर्जन क्या होगा violet के लिए जो इंडेक्स होगा और यहां पर ए A, A से मल्टीप्लाई करें ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये आया था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड डिवाइड बाई मीन डिविएशन यानी कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए ये हमारा डिस्पर्जन और ये मीन डिविएशन से डिवाइड करके हमारे पास डिस्पर्जिव पावर आ गई थी डिस्पर्सिव पावर को यानी कि उसको यहां से म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सिव पावर लिख सकते हैं आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये म्यू वी माइनस म्यू आर आ जाएगा इसी तरह हम दूसरे प्रिज्म की भी डिस्पर्सिव पावर लिख सकते हैं म्यू वी प्राइम माइनस म्यू आर प्राइम इक्वल्स टू तो ओमेगा प्राइम इनटू म्यू फॉर वायलेट प्राइम माइनस वन ये सेकंड प्रिज्म के लिए आ जाएगा अब हम बच्चों यहां क्या करेंगे म्यूवी माइनस म्यू आर को यहां से रिप्लेस कर देंगे और यहां पर भी म्यू वी माइनस म्यू आर को रिप्लेस करें तो आप देखेंगे म्यू वी माइनस म्यू आर की जगह ये हम ओमेगा इंटू वॉयलेट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस वन और यहां पर ओमेगा प्राइम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट माइनस वन इन सेकेंड प्रिज्म ये यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास नेट डिस्पर्जन ये जो डिस्पर्जन है नेट डिस्पर्जन आपके पास फाइनली आ जाएगा आप देख सकते हैं ओमेगा यहां से हमने ए तो था और यहां से इसको रिप्लेस कर दिया यानी कि ओमेगा इन टू म्यू वाई माइनस वन ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा म्यू वाई माइनस वन और ए डैश ओमेगा डैश म्यू वाई डैश माइनस वन ये आपके पास नेट डिस्पर्जन आ जाएगा अब बच्चों यहां पर नेट डिविएशन की बात करें नेट डीविएशन होता है डेल्टा वन प्लस डेल्टा वन अब डिविएशन में हम किसकी बात करेंगे डिविएशन में मीन डिविएशन की बात करेंगे इट इज द मीन डिविएशन क्योंकि हर लाइट के लिए डिफरेंट होगा तो मीन डिविएशन की बात करते हैं हम मीन डिविएशन यानी डिविएशन ऑफ येलो तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो माइनस वन इंटू ए एंगल ऑफ फर्स्ट प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो इन सेकेंड प्रिज्म इंटू ए प्राइम एंगल ऑफ सेकेंड

A ये वैल्यू आ जाएगी अगर आप मेन डिविएशन को जीरो करना चाहते नेट डिस्पर्जन हमने क्या लिखा था म्यूवाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर येलो माइनस वन इंटू ए और यहां पर म्यू वाई प्राइम माइनस वन ए प्राइम इंटू ओमेगा प्राइम ये ओमेगा प्राइम आया था अब बच्चों आप यहां पर देखेंगे म्यू वाई माइनस वन इन ए ये दोनों इक्वल है ये दोनों इक्वल है यानी कि ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल है तो यहां पर हम इस टर्म की जगह ये टर्म रिप्लेस कर सकते हैं और ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा कॉमन आने के बाद म्यू वाई माइनस वन हम निकाल लेंगे और यहां पर ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम तो ये आपका डिस्पर्जन आएगा इन केस ऑफ नो डेविएशन इन केस ऑफ नो डेविएशन कोई भी डिविएशन नहीं है लेकिन डिस्पर्जन है डिविएशन यानी कि मीन डिविएशन लाइट का जीरो है सेकेंड कंडीशन आती है कि देयर इज ए विदाउट डिस्पर्जन डिस्पर्जन नहीं है डिस्पर्जन का मीनिंग है कि अगर आप ये डिस्पर्जन डिस्पर्जन हमने ये लिखा था नेट डिस्पर्जन इसको हम जीरो लेते हैं इसको हम जीरो लेते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा म्यू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए अपॉन म्यू वाई प्राइम माइनस वन इंटू ए प्राइम इक्वल टू ओमेगा प्राइम ओवर ओमेगा ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अगर डिस्पर्जन को जीरो कर दे तो इस केस में इस केस में हमें डेविएशन देखना है डिस्पर्जन को जीरो ले रहे हैं तो डेविएशन कितना होगा फर्स्ट केस में हमने कहा था डेविएशन को जीरो ले रहे हैं तो डेविए डिस्पर्जन कितना होगा ये हमारा डिस्पर्जन आया था इस केस में हम डिस्पर्जन को जीरो लेके डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं तो हमने डिस्पर्सन जीरो लिया है तो ये हमें रिलेशन मिल गया है तो इस केस में हम डिविएशन लिख सकते हैं म्यू वाई माइनस वन इंटू ए म्यू वाई प्राइम माइनस वन इंटू ए प्राइम तो यहां से आप बच्चों देख सकते हैं यहां पर ये रिलेशन यानी कि ये अगर हम कॉमन ले लें ये हम अगर कॉमन ले लें म्यू वाई माइनस वन इंटू ए ये हम कॉमन ले लेते ले, हैं तो हमारे पास बनेगा म्यू वाई प्राइम माइनस वन इंटू ए प्राइम ओवर म्यू वाई माइनस वन इंटू हमारे पास बनेगा हमने कॉमन ले लिया है अब ये रिलेशन आप यहां पर पुट कर सकते हैं तो यहां पर देखेंगे ऊपर आया और ए नीचे आया कि इसका रेसिप्रोकल है तो यहां पर ओमेगा अपॉन ओमेगा प्राइम आ जाएगा तो ब्रैकेट में ये आपके पास ओमेगा अपॉन ओमेगा प्राइम आ जाएगा तो डिविएशन इस केस में क्या आया है दिस इज दीन डिविएशन मीन डिविएशन मल्टीप्लाई वाई वन माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा प्राइम ये आया था और जिस केस में हमने विदाउट डिविएशन देखा था तो आप दे, इसको देख सकते हैं मीन डिविएशन जो मीन डिविएशन आया था किसी भी एक परिज्म का ले लेंगे क्योंकि दोनों का इक्वल है इनटू ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम ओमेगा माइनस प्रो ओमेगा प्राइम दूसरे केस में वन माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा प्राइम ये आएगा हमारा दूसरे केस में जब हमारा डिस्पर्जन है लेकिन डिस्पर्जन नहीं है लेकिन डिविएशन है तो आप इन दोनों को याद रखेंगे और अगर हमें किसी भी केस में किसी भी केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर मीन यानि कि रेड का और येलो का सॉरी रेड का और वॉयलेट का जो मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वो हमें किसी भी मीडियम के लिए उस मीडियम में वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकता है यानी कि अगर हमें किसी प्रिज्म के लिए इफ वी नो इफ वी नो प्रिज्म और मटेरियल अगर हमें इसके लिए यानी कि वॉयलेट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड पता है तो यहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो निकाल सकते हैं तो येलो अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इन दोनों का जो मीन होगा उसको हम येलो की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंगे एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है रिफ्रेक्टिव इंडे इंडेसिज ऑफ फ्लिंट ग्लास फॉर रेड एंड वॉयलेट लाइट रेड और वायलेट के लिए दे रखा है अब आपको क्या निकालना है एंगुलर डिस्पर्जन तो बच्चों सबसे पहले एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर डिस्पर्जन एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला है म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इनटू ए ये हमारा म्यू ऑफ वॉयलेट आप देखेंगे म्यू ऑफ वॉयलेट आपको क्या दे रखी है म्यू ऑफ़ ऑफलेट इज 1.632 पॉइंट सिक्स म्यू ऑफ रेड इज वन पॉइंट एंगल आपको दे रखा है 5 डिग्री इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे और आपको मिलेगा दैट इज 0.0 एंड दिस इज 19 टू फाइव डिग्री तो ये आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट जीरो डिग्री ये आपका एंगुलर डिस्पर्जन होगा यानी कि इतने डिग्री में दोनों ही होंगे यानी कि ये रेड और वायलेट के बीच में ये इतने डिग्री का एंगल का डिफरेंस होगा इतना डिस्पर्जर डिस्पर्जन होगा एंगुलर डिस्पर्जन नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास ऑफ ग्लास फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर फाइव जीरो पर वॉयलेट और रेड का दिया हुआ है आपको और क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो फर्स्ट पार्ट एंड डिस्पर्जिव पावर ऑफ द मीडियम डिस्पर्जिव पावर मीडियम की निकालनी है तो so, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो हम निकाले तो हम बता सकते हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इसका मीन निकालेंगे यानी कि 1.50 प्लस 1.60 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 1.55। बी पार्ट में ये हमारा था ए पार्ट बी पार्ट में हम डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर बच्चों अगर याद हो आपको तो एंगुलर डिस्पर्जन एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाई मेन डिविएशन मेन डिविएशन एंगुलर डिस्पर्सन आता है हमारा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए और मेन डिविएशन आता है म्यू ऑफ वाई माइनस वन इंटू ए ए आपका कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर म्यू वी और म्यू आर दे रखा है देन देट इज वन पॉइंट सिक्स जीरो माइनस वन पॉइंट फाइव जीरो डिवाइड by 1.55 पॉइंट फाइव माइनस वन आपके पास ही आ जाएगा 0.10 पॉइंट डिवाइड इसको डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.18 ये आपका डिस्पर्सिव पावर होगा